और दोस्तों ये देखिए, ये सिमुलेटर मशीन है। इस मशीन में आपकी ड्राइविंग की टेस्टिंग होती है और आपका ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको रास्ते में गाड़ी किस तरह से चलानी है। और देखिए, इसमें तीन स्क्रीन लगा हुआ है, और दाएं बाएं और बीच का। और आपको उसमें जिस तरह आप कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कॉन्स्टेंट रहना है बीच में, तो इसी तरह इसमें आपकी ड्राइविंग की जो है, ये सिमुलेटर मशीन में एक व्हील है और साथ में वो स्टेयरिंग है, और जो स्टेयरिंग को आप दाएं बाएं करते हैं और आगे से ट्रैफिक आती है, आपको उससे वो बचाते हुए चलना है। तो ये आपकी मतलब ड्राइविंग की ये ट्रेनिंग होती है। और दोस्तों ये देखिए, इसका क्लासरूम है। फिर उसके बाद एक कंप्यूटर रूम है और एक सिमुलेटर रूम, तीनों देखिए इसमें। क्योंकि अभी यहाँ इनॉग्रेशन जो प्रॉपर वे में होना चाहिए था वो अभी नहीं हुआ है, चूँकि दिन शुभ था इसलिए पूजा हुआ है, और कुछ दिनों के बाद इसे विधिवत रूप से चालू भी कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ जो आपका ये जो काम होगा, मतलब किस चीज के से होगा काम? तो लाइसेंस उसके बाद ही निर्गत होगा ना, तो इनॉग्रेशन आज समझिए एक तरह का। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपका फिर से हमारे चैनल लाइव प्रतिदिन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक हैवी व्हीकल टेस्टिंग सेंटर के उद्घाटन समारोह पे आया हूं। टेस्टिंग के बाद ही लाइसेंस जो है निर्गत किया जाता है, और इसमें इस ग्राउंड के पूरे ग्राउंड में 8 बना हुआ है, 8, और उस पर आपको बड़ी व्हीकल को लेके आना पड़ता है और गोल राउंड पूरा घूम के 8 की प्रक्रिया को पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद ही आपको उसमें पासिंग नंबर दिया जाता है, और फिर उसके बाद DTO ऑफिस परिवहन विभाग से आपकी लाइसेंस की प्रक्रिया पूर्ण होती है और आपके नाम से लाइसेंस निर्गत किया जाता है। दोस्तों सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि लोग बिना ट्रेंड हुए गाड़ी लेके सड़क पर निकल जाते हैं, जिस कारण बहुत सारे बेगुनाह लोग असमय काल के गाल में समा जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही बड़ी गाड़ी को लेके चलें, क्योंकि भाई जान तो किसी की भी है वो तो कीमती है, किसी का घर वाला तो होता होगा जो उसके लिए रोता होगा, इंतजार करता होगा, इसलिए कृपया ध्यान रखें। चलिए अब चलते हैं, इसे पूरा देखिए आप। Thank you.
ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग में काफ़ी जानकारी मिली होगी और आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। यदि पसंद करते हैं तो इसे लाइक, कमेंट्स और हो सके तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।